हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीडिया चैनल सम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीन एनर्जी का पोटेंशियल के बारे में। दोस्तों, ग्रीन एनर्जी जो है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा उसमें पोटेंशियल रखता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत सारे रिसर्च चल रहा है। अभी हम लोगों का ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत सारे रिसर्च चल रहा है और ग्रीन एनर्जी से बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में न्यू टेक्नोलॉजी आने वाला है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी इंडस्ट्री में जनरली उपयोग होता है कोल को जला के उससे एनर्जी निकला जाता है और बहुत सारे जगह में अभी भी वो ओल्ड टेक्नोलॉजी उपयोग होता है। बट ग्रीन एनर्जी क्या है कि ग्रीन एनर्जी दुनिया को बदलने का ताकत रखता है। दोस्तों, अभी आप देखोगे कि ग्रीन एनर्जी का मार्केट बहुत ही ज़्यादा लाइक धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। ये इसलिए हो पा रहा है दोस्तों क्योंकि फ्यूचर में जितना भी टेक्नोलॉजी आएगा, जैसे ईवी व्हीकल आ गया, ठीक है, ईवी कार्स आ गया, सारे जो ईवी वाला सीन है जहाँ पर हम लोग करंट का उपयोग करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेंगे, तो वहाँ पर हम लोगों को चाहिए एनर्जी का सोर्स। तो इस एनर्जी का सोर्स हम लोग बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ा से। मैं एक करके आप सबको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा ग्रीन एनर्जी का पोटेंशियल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा और एनर्जी डिमांड बढ़ता रहेगा। अभी हमारे पास कोल और पेट्रोलियम और गैस जो चीज़ें हम लोग ट्रेडिशनली यूज़ करते थे उसका तो भंडार लिमिटेड है, तो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते प्रॉपर, मतलब वो प्रॉपरली रोबस्ट वे नहीं है या एकदम बेस्ट वे नहीं है कि उसको यूज़ किया जाए। तो इसीलिए हम लोग को फोकस करना पड़ रहा है ग्रीन एनर्जी के ऊपर। तो ग्रीन एनर्जी का जो ये रेगुलेशन है ये कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये इस टाइप से स्टार्ट हुआ क्योंकि जितना एनर्जी डिमांड हम लोगों का इंक्रीज होते रहेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों को एनर्जी सप्लाई चाहिए होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए ग्रीन एनर्जी का अच्छा सोर्स, जैसे हो गया सोलार, जैसे हो गया विंड एनर्जी, जैसे हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें हम लोगों को चाहिए। उसके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमारा एनर्जी का जो नीड्स है वो दोस्तों पूरा नहीं होगा। अभी भी आप चाहे किसी भी मेट्रो एरिया में रहते हो, आपको अगर पावर कट का लाइक सामना करना पड़े, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी भी जो एनर्जी है, एनर्जी जो खपत होता है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं है, उसका जो डिमांड और सप्लाई प्रॉपर मात्रा में नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो उसके सबसे पहले फर्स्ट आता है दोस्तों सोलर एनर्जी। दोस्तों, सोलर एनर्जी में क्या होता है कि हम लोगों के पास एक सेल रहता है, ठीक है, वो सेल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सोलर सेल। लेकिन ये दोस्तों अभी भी प्रॉपर नहीं है क्योंकि इसका एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा लो है। तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा कि ये सेल जो है, ये सोलर सेल हम लोगों का जो ये टेक्नोलॉजी है, ये धीरे धीरे और भी ज़्यादा एनहेंस होते जाएगा। अभी बहुत सारी जगह में मैं ये देख रहा था कि एक लिक्विड है, उस लिक्विड को वेपराइज करके और उस लिक्विड को फिर टर्बाइन में घुमा के एनर्जी हम लोग उपयोग में ले सकते हैं, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सोलर हीट का उपयोग करेंगे, मतलब सोलर जो बीम है उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक जगह में, उससे हम लोग लाइक वाटर्स और कुछ लिक्विड को बॉयल करेंगे और फिर उसको गैस बनाएंगे और फिर उस गैस से टर्बाइन घूमेगा और हमारा एनर्जी जनरेट होगा। तो इस टाइप का भी अभी इसके ऊपर काम चल रहा है क्योंकि इसका एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा कम है और ये फ्यूचर में और ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये आएगा दोस्तों विंड पावर। अगर दोस्तों आप कभी भी साउथ इंडिया विजिट करते हो तो साउथ इंडिया में ये विंड पावर बहुत ही ज़्यादा चलता है क्योंकि साउथ इंडिया में एक जो वहाँ पर क्या होता है कि विंड जो होता है वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ रहता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा विंड का प्रेशर आता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पर विंड पावर का बहुत ज़्यादा सोर्सेस है। सेम आपका हो गया दोस्तों गुजरात के साइड पे बहुत ज़्यादा विंड पावर का सोर्सेस है। तो ये विंड पावर में क्या होता है कि डायरेक्टली हम लोग जो विंड है उसको दोस्तों उपयोग में लेते हैं, उसको डायरेक्टली हम लोग जनरेटर या अल्टरनेटर में जाके घुमाते हैं और उससे हम लोग को बिजली पैदा होता है। लेकिन ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर कहीं पर भी स्ट्रॉम आ गया, कुछ आ गया, तो ये विंड पावर का सीन वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए एक प्रॉपर एरिया जहाँ पर सर्वे किया जाता है कि उसके वहाँ पर विंड रेशियो क्या होगा। तो एक प्रॉपर विंड रेशियो होना चाहिए, उसके बाद हम लोग विंड पावर का टर्बाइन को वहाँ पर इंस्टॉल कर पाएंगे, जिससे हमारा क्या होगा कि विंड बिजली तैयार होगा। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें होता है। आप जो ट्रेडिशनल विंड टर्बाइन देखते हो
वो वर्टिकल विंड टरबाइन है, वो सारी जगह में अभी हॉरिजेंटल विंड टरबाइन का भी प्रचलन हो रहा है धीरे धीरे। तो आप नेट में सर्च कर सकते हो व्हाट इज वर्टिकल विंड टरबाइन एंड व्हाट इज हॉरिजेंटल विंड टरबाइन, ठीक है। तो उसके हिसाब से दोस्तों ये विंड पावर एक सोर्स हो गया, एनर्जी सोर्स। दूसरा बात है दोस्तों हाइड्रो पावर। दोस्तों जो पानी दोस्तों जो हमारा नदी जो है, नदी जो बहता है, तो उसको हम लोग डैम बना के उसको कॉन्सेंट्रेट करके हम उसको हाइड्रो पावर में ले सकते हैं। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है इंडिया में कि हम लोग नदी को क्या करते हैं, डैम बनाते हैं और फिर उसको उसका जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं डैम के साइड पे, और फिर हम लोग उस पानी को धीरे धीरे छोड़ते हैं और उससे टर्बाइन घुमाया जाता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक रिलायबल ऑप्शन है क्योंकि इसमें हम लोग 24x7 हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। दूसरा है दोस्तों बायो एनर्जी। बायो एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर पिछले कुछ दशक से कोई भी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिफरेंट डिफरेंट टाउन से लेके आएंगे, फिर हम लोग उसको एक एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जहाँ पर हम लोग बायोगैस बनाएंगे, फिर गैस से हम लोगों का जो जहाँ पर हम लोग कोल जलाते थे या नॉर्मल लाइक डीजल या पेट्रोल जलाते थे, वहाँ पर हम लोग बायोगैस का उपयोग करेंगे। ये एक टाइप का सोर्सेस हो गया। ऐसा बहुत सारे सोर्सेस है और इसके ऊपर अभी भी काम होना बाकी है। अभी जब हम लोग एनर्जी को बना लिए तो उसको तो स्टोर भी करना जरूरत होता है, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स का बैटरीज का उपयोग होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन बैटरीज। तो उसमें एक है कि आप सैंड को जो है, जैसे सैंड को आप कंटेनर में बंद करो, फिर उसमें क्या है, जब आपका एक्स्ट्रा एनर्जी हो गया तो सैंड को करो हीट, और वो भी बीच से उसको हीट होना चाहिए, एकदम मिडिल से उसको हीट होना चाहिए। तो सैंड क्या होता है कि ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने अंदर ज़्यादा हीट को कॉन्सेंट्रेट करके रखता है। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ वहाँ से हीट एनर्जी ले सकते हो। एक टाइप का बैटरी होगा। दूसरा टाइप का बैटरी ये हो गया कि हम लोग लिथियम आयन या कोई भी नॉर्मल जो कॉन्वेंट जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, जो जिस टाइप का बैटरी टेक्नोलॉजी, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए। तीसरा एक टाइप का बैटरी सोर्सेस हो गया जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पर पानी को नीचे जगह से लेके ऊपर जगह में उसको ले लेके जहाँ लेके जाएंगे हम लोग, उसमें हमारा पोटेंशियल एनर्जी तैयार होगा और फिर हम लोग उससे एनर्जी को हार्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये एक टाइप का हो गया। चौथा और एक है जहाँ पर हम लोग फ्लाई व्हील का उपयोग करते हैं। जो फ्लाई व्हील के उपयोग से हम लोग क्या करेंगे कि एनर्जी जो है उसको हम लोग स्टोर करेंगे एक रोटेटिंग हेवी रोटेटिंग चाखा के अंदर, जिसके अंदर एक व्हील के अंदर, तो उससे हम लोग एनर्जी को भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप के एनर्जी स्टोरेज का न्यू न्यू जो पोटेंशियल है या अभी इसके ऊपर काम चल रहा है दोस्तों। और दोस्तों और एक बात है स्मार्ट ग्रिड। आप इसके बारे में बहुत सारे बातें सुने होंगे। स्मार्ट ग्रिड ये असल में होता क्या है, ये एक टाइप का आप बोल सकते हो एनर्जी पूल है, जहाँ पर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जैसे एनर्जी का जो कंपनीज है, जैसे हो गया आपका डिफरेंट लाइक पावर सिस्टम्स का डिफरेंट कंपनीज हो गया, वो लोग क्या करते हैं कि अपना एक्स्ट्रा सारा एनर्जी को एक पूल में डालते हैं, उस पूल को बोला जाता है ग्रिड सिस्टम। तो वहाँ पर आप कोई भी लाइन आप खींचना चाहो या आप कोई भी पावर वहाँ से ड्रॉ करना चाहो, तो आप स्मार्ट ग्रिड से पावर को ले सकते हो और आप एक्स्ट्रा आपके पास जो पावर है उसको स्मार्ट ग्रिड में डाल सकते हो, ठीक है। और ये जो सिस्टम है इसको बोला जाता है एक एक नेट की तरह होता है, और यहाँ पर हम लोग हमारे जो एनर्जी का है इसको कंट्रोल कर सकते हैं स्मार्ट ग्रिड को, कि यहाँ पर इतना ज़्यादा एनर्जी जाना है, यहाँ पर इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं जाना है, इस कंपनी से मैं इतना ज़्यादा एनर्जी लूँगा, इसको मैं इतना ज़्यादा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो ये बेसिकली एक मैनेजिंग सिस्टम है। तो ये स्मार्ट ग्रिड आप देखोगे कोई भी ग्रिड सिस्टम, अगर आप किसी भी पावर सेक्टर में काम करते हो तो आपको ये मालूम होगा कि स्मार्ट ग्रिड क्या चीज़ है। तो इसका डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्मार्ट ग्रिड होता है, जैसे पाइक ग्रिड हो गया, एल ग्रिड हो गया, सो मेनी ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। बस अभी हमारे पास बहुत सारे पॉलिसी और इन्वेंशन अभी चल रहा है मार्केट में, और भी ज़्यादा पॉलिसी हम लोग इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा ग्रीन एनर्जी की तरफ, तब जाके हम लोग ग्रीन एनर्जी में प्रॉपरली ट्रस्ट कर पाएंगे। अभी ये प्रॉपरली ट्रस्टेबल सोर्सेस नहीं है, फिर भी बहुत सारे कंपनीज हैं इंडिया में जो अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और रेगुलरली न्यू न्यू चीज़ें को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो और इससे क्या होगा कि ग्रीन एनर्जी सिर्फ एक
एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये क्या करता है कि डिफरेंट कंपनीज को, कम्युनिटीज को ये क्या करता है, एम्पेयरिंग करने का एक एक मेथड हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई एक बंदा है जो आपने एक नया इन्वेंशन किया है यहाँ पर, तो उसको एक हम लोग मौका दे सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी को और भी ज़्यादा वो इम्प्रूव करने का, और उससे उसको भी फायदा मिलेगा, ठीक है। तो बस यही है, तो फ्यूचर में एक ग्रीन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एक रेगुलेशन लेके आने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, और भी ज़्यादा आपको जानना है इस टाइप के टॉपिक के ऊपर तो मेरे साइड में दोस्तों विजिट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।